फैंसी गारमेंट एंड किड्स मॉल, शेरवानी, कोट पैंट, थ्री पीस, शूटिंग, शर्टिंग, टेलरिंग, बच्चे और बच्चियों के लिए कई सारे कपड़ों की वैरायटियां। हमारा पता आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने, हजार खोली मालेगांव। प्रोप्राइटर चांद खान। मानव समाचार, मानवता के हक में। इस्तकबाल है आपका मानव समाचार में, मैं हूं अब्दुल रहमान। न्यायस बिजनेस एक्सपो की आज शुरुआत हो चुकी है और आज स्पेशल विजिट करने के लिए हम यहां पर आए हुए हैं। करीब करीब 73 के आसपास अलग अलग स्टॉल्स यहां पर आपको नजर आएंगे, जहां खाने पीने से लेकर के रोजमर्रा की चीजें, आपको जो घरों में इस्तेमाल की जाती है वो सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाएगी। कई तरह के पापड़ आपको यहाँ पर मिलेंगे, कई ऐसी चीजें जो मालेगांव शहर में नहीं है वो चीजें आज यहाँ पर आपको मिल जाएगी। मुल्क के अलग अलग रियासतों से, अलग अलग शहरों से कई प्रोडक्ट जो यहाँ पर आए हुए हैं, जो इससे पहले कभी ना आपने देखे होंगे ना कभी चखे होंगे, ऐसी कई चीजें यहाँ पर आपको मिल जाएगी। बड़ी कामयाबी से ये पूरा जो बिजनेस एक्सपो जो लॉयंस क्लब साउथ ने यहाँ पर अरेंज किया हुआ है, बड़ी कामयाबी से चल रहा है। हम अलग अलग स्टॉल पर विजिट करते हुए जब यहाँ पर पहुंचे तो तमूर अतरफा एक खजूर की जो एक बड़ा खूबसूरत सा यहाँ पर स्टॉल नजर आया, और यहाँ पर स्टॉल पर जो हमने जो खजूरें देखी ये आम तौर से जो दुकानों पर मिलती है, दिखाई देती है, उससे बहुत अलग ये खजूरें यहाँ पर है। अब्दुल रहमान जो ये पूरे इस दुकान को जो यहाँ पर इसके जिम्मेदार हैं उनसे हमने बात करना चाहिए। आइए आप भी जाने हम भी जाने। ये जो चीजें हैं ये इम्पोर्ट करके हम लोग मदीना से लाते हैं, ये डायरेक्टली मदीना से आती है। आप जिस तरीके से देख सकते हो क्वालिटी इसकी अलग है, मार्केट में मिलने वाली खजूरों से अलग है। ये जो अंबर है, कलमी है, अजवा है, ये जो भी आपको मार्केट में मिलेंगी उससे अलायदा, मुनफरद और बेहतरीन क्वालिटी की है। क्वालिटी जो है हमारी गारंटी है और अल्हम्दुलिल्लाह उस चीज को हम लोग डिलीवर कर रहे हैं। यहाँ जो है हम लोग डिस्काउंट रखे हुए हैं और काफी ज्यादा मिकदार में, मतलब अप टू 30% अप टू 40% तक डिस्काउंट रखे हुए हैं। और आपको ये जो है, ऐसे हम लोगों का रिटेल काउंटर भी है संगमेश्वर में, समक शेर में अपने, मगर यहाँ जो है रिटेल काउंटर से भी ज्यादा आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ये तमाम खजूरें जो हैं ये जैसे आप कच्ची पक्की के नाम से फेमस है मालेगांव में, ये उसका ओरिजिनल चीज है। इसमें कई सारे के कई तरह के फायदे हैं इसमें। ये जो आर्थराइटिस के जो पेशेंट होते हैं वो लोग अगर इस्तेमाल करेंगे तो उनके घुटनों के दर्द में भी अल्हम्दुलिल्लाह काफी फर्क आएगा। ये जो है अभी 5 दिनों के लिए यहाँ पर है, उसके बाद आपको रिटेल शॉप पे भी डिस्काउंट मिलेगा इंशाल्लाह। यानी कुल मिलाकर एक भारी डिस्काउंट के साथ यहाँ पर जो बेहतरीन किस्म की खजूरें जो पूरी दुनिया में मशहूर है वो यहाँ पर मिल जाएगी। मालेगांव शहर की बड़े मशहूर जो मसाले में बड़े माहिर है, घर घर आपके दस्तर खान की जो जीनत जो पकवान बनते हैं, चाहे फिर वो खुशबू की बात हो, लज्जत की बात हो, जिसकी जिन मसालों की बदौलत है, वो जो मसाला मालेगांव शहर का मशहूर टेस्टोफो मसाला है, उनका एक बड़ा खास यहाँ पर स्टॉल लगा हुआ है, जहाँ पर खाने की बहुत सारे आइटम जिन मसालों से बनते हैं सारे मसाले यहाँ पर अवेलेबल है। मेरे साथ अजमल खान यहाँ पर मौजूद है, उनसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पर क्या क्या चीजें यहाँ पर मसालों में है और क्या खास बात है। लोग यहाँ पर अगर आज यहाँ से ले जाएंगे, जो 5 दिन का बिजनेस एक्सपो है, तो लोगों को किस तरीके का यहाँ पर फायदा मिलेगा और क्या स्पेशल कोई डिस्काउंट उन लोगों के लिए, इस बारे में आपसे जानना चाहूंगा। सबसे पहले तो मैं एक बात ये बताना चाहूंगा कि जो लोग यहाँ से मसाले लेके जाएंगे तो सबसे पहले तो उनको रियल टेस्ट वाले मसाले मिलेंगे। मार्केट में बहुत सारे मसाले हैं बट वो क्वालिटी प्रोवाइड नहीं करते जो हम देते हैं। हमारा चैलेंज है कि अगर आपको पसंद नहीं आएगा तो मटेरियल के साथ पैसा रिटर्न देंगे, मीन्स 100% श्योरिटी ऑफ टेस्ट। अब उसके बाद जब कोई मसाला परचेस करता है तो हमारी कंपनी उनको ना एक ऑफर देती है कि आप बाय 3 get 1 free। आप जब 3 लेते हो तो आपको एक फ्री मिलेगा। एडिशनली अगर आपकी परचेसिंग अराउंड 200 rupees हो जाती है तो आपको एक कैशबैक कूपन भी मिलता है। अच्छा। जिसको आप 200 की खरीदी करने पर हासिल करोगे और उसको स्क्रैच करोगे तो 25 rupees से लेके 200 rupees तक इमीडिएट आपको कैशबैक मिलेगा। और कम से कम एक यूनिक टिक्का मसाला जिसकी कीमत 20 रुपये, कम से कम वो उसमें से निकलेगा, मतलब खाली एक भी कूपन नहीं रहेगा।
कई तरह की चीजें यहाँ पर, कई तरह का ऑफर यहाँ पर है। तो भैया अगर आप चाहते हो कि ये ऑफर आप पाएं तो जरूर यहाँ पर फिर इस स्टॉल पर आकर विजिट कीजिए। इस वक्त तो मेरे साथ मालेगांव शहर के एडिशनल एसपी सम्मानीय श्री अनिकेत भारती साहब यहाँ पर मौजूद है। जानना चाहेंगे कि इन्होंने आज यहाँ पर सभी स्टॉल का विजिट किया है, ये जानना चाहेंगे हम कि उनके जो है इस बारे में क्या विचार, क्या ख्याल है, कितना उन्होंने एंजॉय किया और क्या कहना चाहेंगे वो शहरवासियों के लिए, और शुभकामनाओं के दो शब्द जो है वो लॉयंस क्लब को किस तरीके से कहेंगे, ये अब जानते हम सम्मानीय श्री अनिकेत भारती साहब से। आज 1 मार्च 2023 के दिन में लॉयंस क्लब ऑफ साउथ मालेगांव की तरफ से बिजनेस एक्सपो का आयोजन मालेगांव शहर में किया गया। उसका जो आज शुरुआत हुई है उसके मद्देनजर पुलिस के खेमे की तरफ से कुछ सूचनाएं पार्किंग के सिलसिले में, मॉब को एक जगह न आने देने के सिलसिले में, और बाकी जो कुछ इंतजामात है उसके बारे में कुछ उनको गाइडेंस किया गया था, कुछ बातें बोली गई थी, वो उसी तरह से हुई है कि नहीं ये देखने के लिए हम यहाँ पे आए थे। हमने देखा, सभी स्टॉल को विजिट वगैरह किया है, उनको कुछ एहतियातन जो चीजें बतानी थी वो बता दी है। इसके बारे में हमने थोड़ा जानकारी ली तो हमको ये समझ में आया कि मालेगांव शहर के जो कोई छोटे बड़े उद्योग चलते हैं वो लोगों को एक इन्होंने यहाँ पे स्टॉल देके उसको अपॉर्चुनिटी दी है, उनका जो भी काम है वो लोगों के सामने रखने के लिए, और उनके बाकी सब इंतजाम भी अच्छे है। ये एक्सपो को विजिट देके मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि एक अच्छा एक्सपो का आयोजन किया है, और बाकी जो 5 तारीख तक ये चलने वाला है उसके लिए इन्होंने ये जो सब अरेंजमेंट रखी है ये ऐसे बरकरार रखे, यही मेरी उनको सूचना रहेगी, और लॉयंस क्लब को भी मेरी शुभेच्छाएं। ठीक है, साथ ही साथ हमारे लॉयंस क्लब ऑफ मालेगांव साउथ ने हमेशा कई तरह की चीजें मालेगांव शहर को देने की कोशिश की। अगर हम बात करें लास्ट 2 सीजन जो है धमाल स्ट्रीट के नाम से एक नया कंसेप्ट जो है आप लोगों ने लाया था, और भी कई आपके यूनिक टाइप के काम है, कई यूनिक टाइप के आपकी जो है वो सोच है। अब इस बार जो है एक नया आप लोगों ने जो है एक द्वार खोला है ये बिजनेस एक्सपो को लेकर, क्या आपके जहन में था, क्या कुछ नया देने का आप लोगों का प्लान था, कितना आप अपनी सोच में जो है कामयाब हुए उस बारे में जानना चाहूंगा। देखिए, लायंस क्लब मालेगांव साउथ की ओर से पिछले 47 साल से 47 ईयर्स की परंपरा है सेवा कार्य में, और पिछले 2-3 साल से हम लोग धमाल स्ट्रीट लिए बिजनेस एक्सपो लेने का पर्पज एक ही है। देखो, बिजनेस एक्सपो या लायंस जो फेस्टिवल हो रहा है इसमें पूरे इंडिया से स्टॉल आए हुए है, मालेगांव के भी छोटे छोटे व्यवसायिक है उनको भी हम यहाँ पर प्लेटफॉर्म उपलब्ध करके दिए है कि यहाँ पर आके वो बिजनेस करे। साथ ही में दिल्ली से भी स्टॉल्स लगे हुए है, बम्बई से भी लगे हुए है, कलकत्ता से भी लोग आए हुए है, तो उनका जो मटेरियल है वो भी मालेगांव के आवाम देखे, मालेगांव के व्यापारी भी देखे, उनसे व्यापार करे, और यहाँ पर जो फूड स्टॉल है फूड स्टॉल में भी कई अलग अलग तरह की वैरायटी है जो मालेगांव में हमें देखने नहीं मिलती है, हम साल भर यहाँ रहते हैं तो। मगर यहाँ पे दिल्ली से यहाँ पे एक जामुन शॉट का एक स्टॉल है, बहुत अनोखा स्टॉल है, ऐसे कई तरह के अलग अलग अच्छे स्टॉल आए हुए है। तो यही हमारी इच्छा थी कि मालेगांव की जनता को एक अच्छा एक स्वाद भरा जो खाना रहता है, जो अलग अलग वैरायटीज रहती है इंडियन डिशेस की, अलग अलग कल्चरल वैरायटीज रहती है, वो हम लोगों ने यहाँ पे उपलब्ध करके दी है, और सभी लोग आके इसका आनंद उठाए यही हमारी इच्छा है इसके पीछे। बिल्कुल, हमने देखा कि यहाँ पर अगर ड्रेसेस में बात करें तो पंजाब से जो है एक ड्रेस का स्टॉल आया हुआ है, जैसा आपने कहा जामुन शॉट औरंगाबाद से हुआ है, औरंगाबाद का मशहूर पान है, दिल्ली के हमने यहाँ पर चार्ट देख के यहाँ पर मुंबई में जो मशहूर बहुत सारे स्टॉल हैं वो सारे जो कभी मालेगांव शहरवासी वहाँ पहुँच नहीं पाए वो सारी चीज़ें आपने यहाँ पर उपलब्ध करवा कर दी है। आप जिम्मेदारी जनता की है, क्या कहना चाहेंगे आप लोगों से कि कितना यहाँ पर वो जुड़े, ताकि ये जो जितने यहाँ पर स्टॉल लोगों ने लगाए उसका मनोबल बढ़े और जो शहर के लोग हैं उनको भी एक छोटा एक धंधा उनको कमाने का मौका मिले। आगे हम देख रहे हैं कि त्योहारों का मामला है, यहाँ पर बहुत सारी दुकानों पर हमने देखा कि ड्रेस में खास तौर से जो है बहुत भारी डिस्काउंट मिल रहा है, ऐसे में कितनी वो ये तैयारी भी कर सकते हैं
ये थोड़ा सा आप लोगों से क्या कहना चाहेंगे? हम लोगों को, मालेगांव की जनता को एक ही आह्वान करेंगे कि ये जो फेस्टिवल है ये कड़ी मेहनत से हम लोगों ने यहाँ पर खड़ा किया हुआ है और इसमें हर तरह की वैरायटी आपके सामने और एक बहुत ही रिजनेबल रेट में दी है। तो एक बार यहाँ पर जरूर तशरीफ लाए और यहाँ पर आके जो स्टॉल्स है जिन्होंने अलग अलग वैरायटी के, यहाँ पे फूड के भी स्टॉल है, पैकेजिंग फूड के स्टॉल है, वो देखे और उसका लाभ उठाए। और सभी लोग इसमें यहाँ पर जो फूड काउंटर्स है वो भी तरह तरह के, जैसे अपनी बात हुई तो उसका भी लाभ उठाए। साथ ही में गेम जोन भी है, गेम जोन में भी आप लोग आके बहुत ही अच्छा यहाँ पे एक फेस्टिवल का रूप दिया हुआ है, उसका आनंद ले सकते हैं। तो मैं एक ही गुजारिश है कि हम लायंस क्लब की तरफ से आह्वान करते हैं कि ये फेस्टिवल बहुत कड़ी मेहनत से हुआ है, तो आप लोग आए, तशरीफ लाए, एक बार विजिट जरूर करें। तो उम्मीद करते हैं कि जो नई कोशिश, नई शुरुआत जो लायंस क्लब मालेगांव साउथ ने जो की है, आप हम कदम बनकर उनके साथ आए, कांधे से कांधा मिलाकर उनके साथ खड़े रहे ताकि उनको भी मनोबल बढ़े और हमेशा ही इस तरह का नए नए चीजें लाते हैं, आइंदा भी ये नई नई चीजें आप तक लाए। इसके लिए इनके हौसले के लिए यहाँ पर आना आप लोगों का बहुत जरूरी है। यहाँ पर आने के बाद आपको फायदा ही होने वाला है, इसकी मैं 100% गारंटी देता हूँ। इस वक्त लायंस क्लब का जो बिजनेस एक्सपो है यहाँ पर ये नौजवानों का एक ग्रुप आया हुआ है, मैंने देखा कि काफी इंजॉय इन लोगों ने किया। इनसे ही हम पूछते हैं कि कितना इनको यहाँ पर मजा आया है, क्या इन्होंने यहाँ पर खाया, क्या एंजॉय किया। कृष्णा इस वक्त मेरे साथ है, कृष्णा से मैं पूछता चाहूँ, कृष्णा कितना एंजॉय किया आपने? सबसे पहले तो मैं थैंक्स कहना चाहूंगा लायंस क्लब के लिए, क्योंकि लायंस क्लब जो है वो मालेगांव का सबसे बढ़िया और अब हम बोलते हैं एक्टिव क्लब जिसको बोलते हैं वो लायंस क्लब है। तो हर बार कुछ ना कुछ नई चीजें वो लाते रहते हैं, तो ये बार का जो एक्सपो है उनका वो भी बढ़िया है, क्योंकि इससे पहले के जो भी प्रोग्राम है लायंस के वो भी हमने एंजॉय किए है। तो यहाँ पे आके सब स्टॉल पे जैसे आप देखे हमने तो सब स्टॉल एकदम बढ़िया है और अफोर्डेबल प्राइस में सब है, मतलब ऐसा नहीं कि एक्सपो लगाया है सिर्फ, तो यहाँ पे कुछ लोग आएंगे तो खरीदी भी करेंगे, जिससे ऐसा आएंगे और सिर्फ देखेंगे ऐसा नहीं, तो सब रिजनेबल रेट में है। और खास करके मैं एक खाऊ गली की तारीफ करूंगा, क्योंकि मैं खुद खाने का शौकीन हूँ, इसकी वजह से इधर फूड के स्टॉल भी बहुत बढ़िया है और बाहर अम्यूजमेंट पार्क है वो भी बहुत बढ़िया है। कुल मिला के बढ़िया से बढ़िया नियोजन इन्होंने करने का प्रयास किया और 100% लायंस क्लब जो है वो उनके सब जितने भी उनके शोज होते हैं, जितने भी उनके प्रोग्राम्स होते हैं, उनमें 100 से ऊपर मैं तो 1000% वो सक्सेस होते हैं। ये आप जैसे जो यंग जनरेशन है और जैसे कि आपने कहा आपकी सेहत बता रहे हैं कि आप खाना पीना ज्यादा पसंद करते हैं, पीना नहीं बल्कि खाना करते हैं, तो जो आप जैसे खाने वाले जो खाने के शौकीन है उनके लिए क्या कहेंगे आप, कितना ये यहाँ पर आकर उनको कुछ डिफरेंट टाइप की चीजें यहाँ पर उनको देखें? हाँ, बहुत सी यहाँ पे चीजें ऐसी कि मालेगांव वालों ने, मतलब मालेगांव में एंजॉय नहीं की होंगी बहुत से लोगों ने, तो यहाँ आके उनको एंजॉय करने का 100% उनको मौका मिलेगा और मैं गारंटी देता हूँ कि सबको पसंद आएगा ही आएगा, क्योंकि बहुत सी नए नए आइटम ऐसे चाइनीज वगैरह वो बाकी की चीजें कभी छोड़े तो बहुत सी चीजें यहाँ पे जो मालेगांव में देखने को नहीं मिलती ज्यादा, तो वैसे भी चीजें है और काफी लज्जतदार है, यही कहना चाहूंगा मैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो कृष्णा का यही कहना है कि भाई हमें तो बहुत पसंद आया, आपको भी अगर खाने पीने के शौकीन आप हैं तो बिल्कुल यहाँ पर आ जाइए, क्योंकि कई सारी ऐसी चीजें जो आपको मालेगांव शहर में नहीं मिलती मगर यहाँ कर एक नया अनोखा स्वाद, एक नया अनोखा टेस्ट आप कर सकते हैं, बहुत सारी नई चीजें, नई डिशेज आपको यहाँ पर मिल सकती है। देखते रहिए मानव समाचार, सबसे पहले सबसे तेज, हमेशा सच के साथ।